हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी चिकन रजाला। ये बहुत ही टेस्टी डिश होती है और ये रेसिपी बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली एक स्वादिष्ट रेसिपी है। अगर मेरे रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बनाइएगा तो आप चिकन रजाला रेस्टोरेंट से मंगवाना बंद कर दीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू किया जाए। चिकन रजाला बनाने के लिए मैंने यहाँ 500 ग्राम चिकन लिया है और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। चिकन रजाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेशन करना होगा, तो चलिए चिकन को मैरिनेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। इसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। फिर हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा क्योंकि हमें ग्रेवी में नहीं डालना है। फिर 1/3 कप दही, इसको डालकर इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मैंने चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हमें चिकन को 1 से 1.5 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देना है। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप इसे 1/2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो चलिए तब तक हम चिकन रजाला का इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर चिकन रजाला के ग्रेवी बनाने के लिए एक प्याज को कद्दूकस कर लिया है और दूसरी प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करके इसे पेस्ट बना लिया है और 10 से 12 काजू और 4 हरी मिर्च लेकर इसे पेस्ट बनाकर रखा है और 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गोलमरीच पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून केवड़ा वाटर। आप केवड़ा एसेस का भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ केवड़ा वाटर का यूज किया है। 4 सूखी मिर्च, 1 दालचीनी, थोड़ा सा जीरा, 4 लवंग और 4 इलायची और 1 तेज़पत्ता। तो चलिए अब चिकन रजाला बनाते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करके कढ़ाई में 1/3 कप तेल डालेंगे और तेल को अच्छी तरह से हम गरम कर लेंगे। देखिए, तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी साबुत गरम मसाले और लाल मिर्च। कुछ सेकंड तक इसे हम सोटे कर लेंगे ताकि इसके फ्लेवर तेल में आ जाए। फिर कुछ सेकंड बाद हम इसमें डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ प्याज। अब हमें यहाँ पर प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, तब तक जब तक कि प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन का ना हो जाए। प्याज का कलर चेंज होने तक हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें अपना मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इस तरह से। देखिए, मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, इसके बाद डालेंगे गोलमरीच पाउडर, फिर डालेंगे गरम मसाला। अब हम इन सभी चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमें चिकन को अच्छी तरह से भूनना है, तो गैस को हम मीडियम फ्लेम में करके चिकन को 10 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे, जब तक कि चिकन का तेल सरफेस पे नहीं आ जाता है। आप देख सकते हैं, मैंने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है और इसमें जो तेल है वो अलग होने लगा है। अब मैं इसमें डालूँगी फ्राई किया हुआ प्याज का पेस्ट। इसके बाद मैं डालूंगी काजू और हरी मिर्च का पेस्ट और इसे मिक्स करते हुए हम 3 से 4 मिनट तक और भून लेंगे। और एक बात ध्यान में रहे, चिकन को हमें अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसमें प्याज का जो मिठास है वो ना रहे। अब हमें चिकन को गलाना है, तो अब हम इसमें 1/3 कप पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे पकने के लिए 15 से 20 मिनट तक
गैस को लो फ्लेम में करके ढककर हम छोड़ देंगे। देखिए 15 से 20 मिनट हो चुका है और चिकन अच्छे से गल गया है। अब मैं इसमें डालूंगी केवड़ा वाटर। अब मैं फिर से 2 मिनट के लिए ढककर पका लेती हूँ ताकि केवड़ा वाटर चिकन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। चिकन रजाला में केवड़ा वाटर ज़रूर डालिएगा, इसे स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि केवड़ा वाटर से चिकन रजाला में एक अनोखा ही फ्लेवर आता है। 2 मिनट हो गए हैं, चिकन रजाला बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं चिकन रजाला की ग्रेवी की थिकनेस एकदम परफेक्ट है। एक बात ध्यान में रखिएगा, चिकन रजाला की ग्रेवी की थिकनेस ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सूखा होना चाहिए। अब हमारी चिकन रजाला बनकर बिल्कुल तैयार है। अब गैस ऑफ करके इसे सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। अब हमारी चिकन रजाला सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे लाछा पराठा, नान या प्लेन चपाती के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।